नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। आपके भविष्य के बारे में बात करेंगे, जानेंगे किस राशि में कहां क्या परिवर्तन क्या बदलाव होने वाला है, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। 27 जून 2022 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सोमवार का दिन है। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। नक्षत्र देवता ब्रह्मा जी, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा। योग की बात करें तो शूल योग है। शूल योग की पहली 5 घटी को सभी अच्छे कार्यों के लिए निषिद्ध अशुभ माना गया है, इसलिए प्रारंभ की 5 घटी अच्छे मुहूर्त में वर्जित है। इसमें कोई भी मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। गड्ढबूल नहीं है, पंचक भी नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:25 पर संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त सायं 7:23 पर संपन्न होगा। राहुकाल की बात करें, प्रातः 7:30 से 9 तक राहुकाल है। मांगलिक कार्य को अवॉइड कीजिए। दिशा सूल पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना करें। यात्रा करना बहुत जरूरी है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकालिए या मांगलिक उपचार कीजिए। शुभ रंग लाल, गुलाबी और रूबी कलर शुभ रंग है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद बढ़ सकता है, इसलिए घर के जिम्मेदार लोग आज घर में शांति स्थापित करवाने में सहयोग करें। मेष राशि की महिलाएं आज अपने काम काज नौकरी दफ्तर के स्थान पर दोपहर के बाद अपने सीनियर या बॉस से बात करके लाभ उठा सकती हैं। नौकरी दफ्तर में आज लाभ का योग है। न्यायालय के लिए अच्छा समय नहीं है। व्यापार में अनाज, फल, खाद्य पदार्थ, रिफाइंड तेल और उससे संबंधित प्रोडक्ट, सुगंधित पदार्थ, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में लाभ का संकेत है। व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिएगा, दिन के 11:30 से दोपहर 2:40। भगवान शिव और भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए अथवा कच्चे अनाज का दान कीजिए। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला, वही हरे और नीले रंग के प्रयोग से बचिए। 68% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृषभ राशि, बच्चों की शिक्षा और उनके करियर को लेकर के थोड़ा गंभीरता दिखाइए, और अगर बच्चे घर पर ही पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें, समाधान कीजिए ताकि घर में सामंजस्य स्थापित हो। वही महिलाएं आज घर में अपने पति और बच्चों की समस्याओं को समझ करके अपना योगदान दे, उसे सुलझाए, उसे डेवलप करें। नौकरी दफ्तर में किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापार में विदेश से संबंधित व्यापार, ट्रेडिंग का काम, फैशन इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, इनसे रिलेटेड काम और एल्युमिनियम स्टील इंडस्ट्री से भी संबंधित कार्यों में लाभ का संकेत बन रहा है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दिन के 12:40 से शाम के 4:30 के मध्य। आज पेट या उदर भाग में दर्द हो सकता है, खान पान का विशेष ध्यान दीजिएगा, हो सके तो भगवान शिव का स्मरण कीजिए। शुभ रंग सफेद, सिल्वर, हरा और नीला, नारंगी, पीले और लाल रंग के प्रयोग से बचिएगा। 61% भाग्य आज आपका साथ देगा। मिथुन राशि, आज पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विवाद चल रहा है तो आज सुलह हो जाएगी, प्रयास करके देख लीजिए। और कहीं दूर हैं, फोन कीजिए, बात कीजिए, सामंजस्य बनाइए। महिलाएं आज अपने मित्रों से संपर्क स्थापित करें, आपको जरूर लाभ होगा। नौकरी दफ्तर में आप अपने काम को अपडेट कर लीजिए, अपनी फाइल, अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लीजिए, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। व्यापार में निवेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है।
संयम से चलिए। फिर भी अगर कोई कार्य है तो शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2:40 से शाम के 5:30 बजे के मध्य। शुभ रंग हरा, सफेद, लाल और नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा, 64% भाग्य आज आपका साथ देगा। कर्क राशि, आज परिवार में बच्चों को लेकर के संतुष्टि होगी, चाहे उनकी शिक्षा हो, करियर हो, उनका पारिवारिक जीवन हो, वहीं माता पिता के स्वास्थ्य का भी समाचार लीजिए। कर्क राशि की महिलाएं, आज आप भजन संगीत गीत फिल्म में अपना आनंद में दिन व्यतीत कीजिए, तनाव मत लीजिए। नौकरी दफ्तर में आज आपको मित्र से लाभ हो सकता है, अपने मित्र अगर कहीं दूर है, देश विदेश में है, तो फोन लगा करके बातचीत कीजिए, कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। व्यापार में फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, सिल्वर स्टील इंडस्ट्री, एयरलाइंस, बिस्किट और चॉकलेट बनाने की कंपनियां, इनमें लाभ का योग है। व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 1:45 से शाम के 5:30 बजे के मध्य। शुभ रंग सफेद, क्रीम, पीला, काले और नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा, 69% भाग्य आज आपका साथ देगा। दिन की अच्छी शुरुआत के लिए उठते ही भगवान का जाप करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये बात शास्त्रों बताई गई है, लेकिन आजकल के दौर में ये सब पुरानी बातें सरीखा होता जा रहा है, कोई नहीं मानता है। करीब करीब हर व्यक्ति सुबह उठने के बाद सबसे पहले दर्पण शीशा देख करके अपना चेहरा देखेगा या मोबाइल देखेगा, ज्योतिष में इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। सुबह उठते ही शीशा नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से आप दिन भर नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे। सुबह बिस्तर से उठने पर हमारा चेहरा गंदा रहता है, बाल बिखरे रहते हैं, फेस के फीचर्स भी स्पष्ट नहीं होते हैं। यदि आप अचानक शीशे में देखते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, तो वो एक नकारात्मक ऊर्जा को आप साक्षात देखते हैं, उससे आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि सुबह नींद खुलने के बाद हम जैसे ही बिस्तर से उठते हैं, लेकिन सोफे या अन्य किसी जगह पर फिर से लेट जाते हैं या फिर से बैठ जाते हैं नींद में, ये आदत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य और वास्तु दोनों दृष्टि से इसे गलत माना गया है, अशुभ माना गया है। इसलिए आप दिन भर आलस्य से भरे रहते हैं, वहीं नकारात्मक छवि बनना शुरू हो जाती है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्यफल की। सिंह राशि, आज परिवार में बच्चों को लेकर के मन में निराशा और दुख महसूस होगा, संतान आपकी कष्ट की वजह बनेंगे, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। सिंह राशि की महिलाएं, आज अपने ड्राइंग रूम और अपने बेडरूम में आप परिवर्तन कीजिए, अपने महिला मित्रों के साथ बैठिए, वहीं नौकरी दफ्तर में जो भी कार्य पेंडिंग है उसे ठीक कर लीजिए, आपका कैरियर संकट में आ सकता है। व्यापार में फल मंडी, अनाज, वेजिटेबल से रिलेटेड प्रोडक्ट, खुदरा बाजार, FMCG के मार्केट में लाभ का संकेत। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो लोग आज टेंशन बिल्कुल मत लें, थोड़ा संयम रखिए, विश्राम कीजिए, कष्ट बढ़ सकता है, बहुत अच्छा हो, भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए, उनको जल तर्पण कीजिए, ओम गृणी सूर्याय नमः, अथवा अपने ईष्ट का स्मरण कीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए जो है। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला, हरे और नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा, 63% भाग्य आज आपका साथ देगा। कन्या राशि, आज परिवार में किसी रिश्तेदार अथवा मित्र के माध्यम से लाभ का योग, इसलिए आपके घर कोई आ रहा है, कोई मेहमान, कोई दोस्त, उसका स्वागत कीजिए, उसे बोलिए आप आइए। कन्या राशि की महिलाएं, आपके घर विदेश में कोई दूर रिश्तेदार है या किसी अन्य शहर में है, तो ऐसे किसी भी संबंधी को फोन कीजिए और लाभ उठाइए। नौकरी दफ्तर में स्थानांतरण की संभावना बन रही है, थोड़ा देख लीजिए, बहुत संभव है कि आपकी नौकरी भी परेशानी में आ सकती है, अपने सीनियर से मिल करके बातचीत कर लीजिए अथवा अपने काम को अपडेट कर लीजिए। व्यापार में सोच समझ करके निवेश कीजिएगा, उचित समय नहीं है, फिर भी शुभ समय नोट कीजिएगा,
दिन के 1:15 से शाम के 5:30 के मध्य। आज हरारत, थकान, सिर दर्द, बेचैनी, मानसिक कष्ट, ये सब संभव है। हो सके तो भगवान शिव की आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय। शुभ रंग हरा, सफेद, लाल, नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। 65% भाग्य आज आपका साथ देगा। तुला राशि, परिवार में बहुत दिनों से चली आ रही जो परेशानी है अब ठीक होने का समय आ गया है। यदि कोई बीमार है तो उसकी सेहत में सुधार होगा। तुला राशि की महिलाएं, दूसरी महिलाओं के बहकावे में आज मत आइएगा। अपने घर में अशांति उत्पन्न मत कीजिएगा। नौकरी दफ्तर में आप किसी की बात से प्रभावित होकर के अपने अच्छे मित्र या सीनियर की खिलाफत मत कीजिएगा। व्यापार में विदेश से संबंधित व्यापार, फैशन इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, गोल्ड, ज्वेलरी मार्केट, इनमें लाभ का संकेत है। शुभ समय व्यापार का नोट कीजिएगा, 4:15 से 9:30। आज अनिद्रा, थकान, मानसिक कष्ट में वृद्धि हो सकती है। बहुत अच्छा हो, भगवान शिव की आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय, अथवा किसी सफेद वस्तु का दान कीजिए। शुभ रंग सफेद, सिल्वर, नीला, हरा, वही लाल और पीले रंग के प्रयोग या नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। 67% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, बच्चे और संतानों को लेकर के मन में दुख होगा, कष्ट होगा। आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो चीजें नहीं होंगी। बहुत अच्छा है, धैर्य पूर्वक संतानों को समझाने का प्रयास कीजिए। वृश्चिक राशि की महिलाएं, आज आप अपने कार्यक्षेत्र, अपने प्रोफेशन में किसी व्यक्ति की सलाह ले लीजिए और अपने प्रोजेक्ट को ईमानदारी के साथ पूरा कीजिए। किसी की बातों में मत आइएगा आप। नौकरी दफ्तर में आज कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, इसलिए किसी प्रलोभन के कारण अपना नुकसान मत कर बैठिएगा। वहीं व्यवसाय के लिए समय अच्छा नहीं है, फिर भी अगर व्यवसाय करना है शुभ समय नोट कीजिए, 2:40 से 6:30 के मध्य। शुभ रंग लाल, नारंगी, सफेद, पीला, नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। 58% भाग्य आज आपका साथ देगा। वास्तुशास्त्र, हम लगातार बात कर रहे हैं मुख्य द्वार कौन से रंग का होना चाहिए जिससे आपके घर सुख समृद्धि आरोग्यता का वास हो। दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार, दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार यदि सफेद रंग का है तो ये अशुभ है। घर के लोगों को बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार यदि काले रंग का है तो शत्रु संकट बढ़ेगा, शत्रुओं से हानि भी होगी। दक्षिण दिशा का द्वार पीले रंग का या गोल्डन कलर का है, ऐसी स्थिति में बड़ी धन हानि होगी, व्यापार कभी कभी बंद हो जाता है। बहुत अच्छा हो दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार लाल रंग या लाल से संबंधित जो भी रंग है, जैसे ऑरेंज कलर है, केसरिया रंग है, मरून कलर है, ऐसे रंगों का प्रयोग अगर मुख्य द्वार पे है तो घर में सुख शांति का विस्तार होता है, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होता है। दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण यदि ऐसे मुख्य द्वार काले रंग के हैं अथवा भूरे रंग के हैं और लाल रंग का है तो घर में सदस्यों में झगड़ा खूब होगा, बिना बात के झगड़ा, अनावश्यक बातें, अनावश्यक तनाव। दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण का मुख्य द्वार सफेद रंग या सफेद से संबंधित अन्य रंगों का सबसे शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त केसरिया, रोज कलर, लोटस कलर का मुख्य द्वार है तो निश्चय ही आग्नेय कोण का ये मुख्य द्वार दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में सुख शांति प्रदान करेगा और ऐसे घरों का पूर्ण विकास होता है। दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार के सामने तुलसी का पौधा अशुभ माना जाता है, वही आग्नेय कोण के मुख्य द्वार के सामने
तुलसी का पौधा दाम्पत्य जीवन में कष्ट देता है, पति पत्नी में झगड़ा होगा। यदि आपने गलती से तुलसी जी का पौधा वहाँ लगाया है, दक्षिण दिशा के तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ले जाइए, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आशीर्वाद स्वरूप आएगी। अब बात करेंगे आखिरी चार राशियों के भविष्यफल की। धनु राशि, आज परिवार में बहुत दिनों से चला आ रहा विवाद शांत होगा, खुशी भरा समाचार मिलेगा। और धनु राशि की महिलाएं अपने अंदर उत्साह और ताजगी लाने का प्रयास करें, हो सके तो व्यायाम करिए। नौकरी दफ्तर में अपने काम के प्रति आप गंभीरता दिखाइए, लापरवाही नहीं। किसी व्यक्ति की नज़र आपके ऊपर है, उसकी बुरी नज़र से बचने के लिए कोशिश कीजिए, आपको नुकसान कर सकता है। वहीं व्यापार में खुदरा व्यापार, FMCG से संबंधित व्यापार, एजुकेशन इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लाभ का संकेत है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 3:20 से शाम के 7:34। आज गैस्ट्रिक ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, एलर्जी भी हो सकती है, थोड़ा खान पान का ध्यान रखिएगा। हो सके तो गाय को रोटी गुड़ थोड़ा हल्दी लगा करके दे दीजिए, अथवा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। शुभ रंग पीला, नारंगी, लाल, नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा, 59% भाग्य आज आपका साथ देगा। मकर राशि, आज परिवार में माता पिता पर विशेष ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य और उनकी आवश्यकताओं को पूछ करके पूरा कीजिए, भाग्य का द्वार खुल जाएगा, आप जान लीजिए। मकर राशि की महिलाएं, आज अपने पति को सरप्राइज दीजिए आप, वहीं प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को सरप्राइज दीजिए, समय अच्छा है। लोहा, स्टील, इस्पात, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, शिपिंग इंडस्ट्री लाभ का संकेत है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिए, 12:15 से शाम के 4:30। अपने खान पान का ध्यान रखिए और जरा सी लापरवाही में स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हो सके तो भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए, ओम हन हनुमते नमः। घर से तुलसी का पत्ता अथवा सफ़ेद इलायची या मिश्री खा करके प्रस्थान कीजिएगा। शुभ रंग नीला, लाल, पीला, नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा, 71% भाग्य आज आपका साथ देगा। कुंभ राशि, परिवार में सुख शांति की स्थापना करें, बहुत दिनों से जो चला आ रहा विवाद है अहम का परित्याग कीजिए, और घर में कष्ट है, दुख है, परेशानी है, सब खुशियों में तब्दील हो जाएगा। कुंभ राशि की महिलाएं, अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दें, अपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर फोकस कीजिए। नौकरी दफ्तर में आज क्रोध आएगा, क्रोध को शांत कर लीजिएगा, लेकिन अपनी नाराजगी अपने बॉस से मर्यादित शब्दों में जाकर के कह दीजिए, कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा। व्यापार में निवेश मत कीजिए, सामान्य व्यापार कर सकते हैं। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 3:15 से शाम के 6:30 के मध्य। जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मांसपेशियों में या हड्डियों से संबंधित समस्या रहती है, ये लोग आज ज़्यादा थकान वाला काम ना करें, विश्राम करें, और हो सके तो भगवान शिव और हनुमान जी का स्मरण कीजिए, ओम नमः शिवाय, अथवा किसी दिव्यांग को दान दीजिए। शुभ रंग नीला, लाल, पीला और नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा, 57% भाग्य आज आपका साथ देगा। मीन राशि, परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति या रिश्तेदार के विचार से प्रभावित हो करके आपस में झगड़ा मत कर लीजिएगा, अशांति से दिन गुजारिएगा। महिलाएं आज अपनी मित्रों से बातचीत करें, अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन मिलाइए, कुछ ना कुछ लाभ होगा। वहीं नौकरी दफ्तर में आज आपको कुछ नया कार्यभार मिल सकता है, वहीं नई नौकरी के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए, न्यायालय में कोई एप्लीकेशन या याचिका आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापार में FMCG, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यापार, एजुकेशन इंडस्ट्री, गोल्ड पीतल से संबंधित व्यापार, शादी विवाह से संबंधित कार्य, इवेंट मैनेजमेंट इत्यादि में
लाभ का संकेत है। शुभ समय नोट कीजिएगा, व्यापार का शुभ समय दिन के 1:20 से दोपहर 3:20। आज भगवान विष्णु का स्मरण करके केले और इलायची का प्रसाद ग्रहण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा पान का टुकड़ा अथवा मीठा पान खाने से भी आपका दिन मंगलमय होगा। शुभ रंग पीला, नारंगी, काले, नीले और हरे रंग के प्रयोग से बचिएगा। 61% भाग्य आज आपका साथ देगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्यफल का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले देखिए आज जन्मे हुए लोगों का भविष्यफल। सोमवार का दिन रोहिणी नक्षत्र सूर्ययोग और चंद्रमा वृषभ राशि पर स्थित है। आज जिन बच्चों का जन्मदिन हुआ है ऐसे बच्चे औसत कद काठी के होंगे, सांवले रंग के और सुंदर आकृति स्वरूप वाले होंगे। वहीं लड़कियां और सुंदर होंगी, शिक्षा ज्ञान विवेक शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे, परिश्रम से जीवन में समस्त प्रकार की उपलब्धि भी प्राप्त करेंगे। लेकिन इनके माता पिता को जीवन में संकट रहेगा। शंकर जी की उपासना, सूर्य भगवान को जल तर्पण करना बहुत जरूरी है। वही आज जिनका जन्मदिन है इनका प्रारंभिक 6 महीना भाग्य सूचक है। इनके समस्त प्रकार के काम में जो रुकावट थी वो ठीक होगी, नौकरी भी मिल सकती है, स्थानांतरण जैसा चाह रहे हो सकता है, पद परिवर्तन का योग भी बन रहा है, नया मकान भी मिल सकता है, नया वाहन भी आ सकता है, मुकदमे में विजय भी मिल सकती है। वहीं 7वें से 11वां महीना संघर्ष भरा रहेगा। परिजनों के कारण धनहानि, बीमारी, कष्ट, संघर्ष, नौकरी में बाधा, ये सब कुछ संकेत है। 12वां महीना भाग्योदय वाला होगा। भगवान शिव की उपासना कीजिए, देवी कवच पाठ को आप जरूर पढ़िए, साथ ही साथ ग्रहों की शांति भी करवा लीजिए। आपका मूलांक 9 है। शुभ रंग की बात करें तो सफेद और सफेद से संबंधित रंगों का प्रयोग आप कर सकते हैं। मंगलवार को रूबी या लाल कलर या लोटस कलर का प्रयोग जरूर कीजिए। 65% भाग्य वर्ष पर्यंत साथ देगा, आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्यफल। 1, शांति, सद्भाव और संयम रखने की जरूरत है। नौकरी में धन लाभ, मानसिक शांति मिलेगी, जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। 2, विवाद से दूर रहिए, नुकसान होगा, अपनी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक कीजिए, भाग्योदय का समय चल रहा है। 3, विदेश से शुभ समाचार, माता पिता का विशेष ध्यान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। 4, सेवा करें, फल जरूर मिलेगा, दान करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा, आज मन को शांत रखिए। 5, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख का समय है, परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए, सही दिशा में मन लगाइए। 6, अपने परिवार के विकास पर विशेष ध्यान दीजिए, वृक्षारोपण करना आपके लिए शुभ रहेगा, दुर्भावना रखने वाले लोगों से सतर्क हो जाइए। 7, आलस में दिन बीतेगा, व्यायाम कीजिए, भावना में बसीभूत होकर के अपना नुकसान मत कर लीजिएगा, यात्रा से लाभ होगा लेकिन सेहत पर फोकस कीजिए। 8, पारिवारिक झगड़ा हो सकता है, कलह से सावधान रहिए, धन को संजो कर रखिए। 9, किस्मत आपका साथ देगी लेकिन स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, नौकरी में भी सावधानी बरतिए। ग्लोइंग और चमकदार स्किन कौन नहीं चाहता, लोग इसके लिए कई तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो स्किन को बेहतर बनाने के लिए बहुत से घरेलू नुस्खे और उपाय भी लेकर चलते हैं, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद भी स्किन की चमक फीकी रहती है। इसके पीछे ज्योतिष विज्ञान में ग्रहों को जिम्मेदार माना जाता है। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह उच्च का होकर मजबूत स्थिति में विराजमान है अगर, तो व्यक्ति के चेहरे की स्किन पर एक अलग ही चमक या दिव्याभा रहेगी। इसी प्रकार जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो स्किन ग्लो करती है, साइन करती है। सूर्य की मजबूती भी स्किन को एक अद्भुत चमक प्रदान करती है। चमकदार स्किन के लिए अपनी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा को आप जरूर मजबूत कीजिए।
इसके लिए आप दूध, छाछ, मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, चावल को ज़रूरतमंद लोगों को दान कीजिए, महिलाओं का सम्मान करें। कुंडली में गुरु कमजोर हैं तो आप हल्दी का प्रयोग करके उसे मजबूत करिए। डेली दूध के साथ हल्दी का प्रयोग कीजिए। इसके लिए आप कच्चे दूध में एक चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं या हल्दी का लेप चेहरे पर लगाइए। ऐसा करने से गुरु को मजबूती मिलेगी और आपके स्किन में निखार आएगा, चमकेगी। एक महत्वपूर्ण बात, इन उपायों पर अमल करने के पहले यदि कोई बीमारी, कोई परेशानी है तो आप अपने चिकित्सक से भी पूछ सकते हैं। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो लोग अपने नामाक्षर से अपना शुभ संयोग का ज्ञान प्राप्त करें। ए, सावधान रहकर धन हानि से बच सकते हैं। बी, नियमित रूप से योग ध्यान करने से लाभ होगा, घर में कुछ नई वस्तु आने वाली है चाहे वाहन ही क्यों ना हो। सी, समस्याओं के बावजूद आपके प्रयास होंगे सफल, परिवार में सुख शांति रहने से मन होगा प्रसन्न। डी, आज आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है। ई, निवेश का फैसला सोच समझ के करें। एफ, परिवार के लोगों के बीच तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। जी, काम के साथ ही सेहत पर भी फोकस कीजिए। एच, आप सतर्क रह करके नुकसान से बच सकते हैं। आई, आज अनावश्यक विवाद से बचिएगा। जे, ग्रहों के संयोग से आज भाग्योदय का योग। के, आज समस्याओं के कारण तनाव रह सकता है। ये एल, अपनी योजनाओं पर काम करने का बहुत अच्छा समय है, काम पूरा हो सकता है। एम, आज आपको शुभ समाचार मिलने जा रहा है। एन, आज घर पर बहुत अच्छा माहौल रहेगा, बहुत अच्छा पर्यावरण रहेगा। ओ, काफ़ी समय से रुका हुआ धन अब मिलने की उम्मीद है। पी, रिश्तेदारों से अच्छी खबर मिल सकती है। क्यू, आर्थिक प्रगति के साथ भाग्योदय के आसार। आर, घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखें। एस, सरकारी तंत्र से लाभ होगा, नौकरी में लाभ की संभावना। टी, काम के साथ ही सेहत पर फोकस कीजिए। यू, सभी समस्याएं मानसिक शांति सुलझ सकती है। वी, सावधान रहकर धोखेबाजों से बच सकते हैं। डब्ल्यू, अपनी योजनाओं पर विचार करना जरूरी है, परिवार के लोगों के बीच तालमेल बनाए रखें। एक्स, आज आपकी आर्थिक सामाजिक उन्नति का समय अच्छा है। वाई, पारिवारिक शांति से दिन अच्छा रहेगा। जेड, भगवान का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने इष्ट का स्मरण कीजिए, मानसिक शांति मिलेगी। हस्तरेखा विज्ञान और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर पर मौजूद निशान और चेहरे पर देखे जाने वाले चिन्ह, जिन्हें वर्तमान कहते हैं, उनका भी हमारे जीवन में और भविष्य में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर जन्म से ही कोई निशान है तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति काफ़ी भावुक, इमोशनल होगा। साथ ही ऐसे लोग खूब बातूनी होते हैं। जिनके चेहरे पे निशान होता है उनके पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। अगर किसी व्यक्ति के माथे पर वर्तमान है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज है। ऐसे लोग करियर और व्यापार दोनों में सफल होते हैं। ऐसे लोग खूब मान सम्मान भी कमाते हैं, साथ ही इनकी लोकप्रियता भी बढ़ती है। अगर किसी व्यक्ति के माथे के बीच में वर्तमान है तो इस तरीके के व्यक्ति काफ़ी आकर्षक पर्सनालिटी के होते हैं। ऐसे लोगों की तरफ लोग बहुत जल्दी खिंच जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के कई रिलेशनशिप भी होते हैं। हालांकि ये लोग सभी को खुश करने की कोशिश में रहते हैं, इसलिए इनका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। अगर किसी व्यक्ति के गाल पर वर्तमान है तो इसका मतलब है आप अपने काम को लेकर के बहुत उत्साहित रहेंगे। इतना ही नहीं, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय और प्रतिबद्ध भी रहेंगे। आज का महामंत्र, आपके घर सुख शांति नहीं है, बीमारी स्थायी रूप से जगह बना ली है, मानसिक तनाव रहता है, झगड़े होते हैं, धन हानि होती है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप क्या करेंगे? भगवान श्री राम के दरबार की फोटो लीजिए, जिसमें पूरे भगवान श्री राम का परिवार रहेगा।
और गंगा जल से पवित्र कीजिए, धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए, उनको चंदन का टीका लगाइए, खुद भी चंदन का टीका लगाइए, हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए, संकल्प कीजिए, भगवान से बोलिए गोत्र और नाम और प्रार्थना, उसके बाद दोहा रूपी जो ये मंत्र है, चौपाई रूपी जो ये मंत्र है, इसका 108 बार प्रतिदिन और 1008 दिन तक इसका उच्चारण आपको करना है। आप देखिएगा मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, जो आप चाहते हैं। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा।